अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट सलमान शेख। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिटी हाउसिंग खानिया के रिलेटेड है। तो आज के इस टॉपिक में हम आपको मैप के ऊपर जौन सा है डेवलपमेंट बताएंगे कि कितनी कहाँ तक जौन सी है वो डेवलपमेंट हो चुकी है। जो हमारा लास्ट विजिट हुआ था उसके अंदर हम कहाँ तक गए थे और कहाँ तक डिवेलपमेंट और कहाँ तक मशीनरी लगी हुई थी। तो सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल के ऊपर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए वीडियो आगाज करते हैं। तो सबसे पहले मेरे सामने ये मैप पड़ा हुआ है, तो मैं इसके हवाले से आपको मैं बताता हूँ कि किधर तक जोन सी है वो आपकी डेवलपमेंट कम्प्लीट हो चुकी है सिटी हाउसिंग खारिया की। तो आपको मैं मैप के ऊपर आएंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से हम अंडर पास से एंटर हुए थे, ठीक हो गया। गुड न्यूज़ ये है कि जो थीम पार्क का काम है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसका काम काफ़ी तेज़ी के साथ जो है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे मज़ीद लैंड इन्होंने परचेज की है। तो उसके बाद जो है हम थोड़ा आगे गए थे, यहाँ पे हेलीकॉप्टर गेट बन रहा है आपका, ठीक है, जो ये काफ़ी खूबसूरत बन रहा है, जिस तरह सिटी हाउसिंग जेलम में बना हुआ है बी ब्लॉक एक्सटेंशन में, उसी तरह सेम गेट यहाँ पर सिटी हाउसिंग खारिया में बनेगा। साथ ही थोड़ा आगे जाएंगे तो राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट उन्होंने बता दिया कि ये राउंड अबाउट है, बट अभी राउंड अबाउट के ऊपर काम शुरू नहीं हुआ। उन्होंने जो लेफ्ट और राइट 100 फीट वाइड रोड जा रही है उसके ऊपर काम स्टार्ट है, सीवरेज का काम भी स्टार्ट है, सब बेस भी डाल रही हैं। तो यहाँ पे कौन सा है ये भी काफ़ी तेज़ी के साथ काम स्टार्ट है यहाँ पे, और ये एरिया भी इन्होंने प्लेन कर दिया क्योंकि यहाँ पर आपके पास मस्जिद है और यहाँ पर आपका ऑफिस भी आएगा। सिटी ऑफिस का काम भी काफ़ी तेज़ी के साथ स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही दिनों में, ठीक है। और यहाँ से हम जो आखिर तक गए थे यहाँ तक गए थे, ठीक है, कंप्लीट आगे तक गए थे और आपको जो सा है वो मैंने डेवलपमेंट दिखाई थी। थोड़ा सा कैमरा आगे लेके आए, तो कंप्लीट यहाँ तक हम गए थे और आपको जो सा है वो मैंने डेवलपमेंट दिखाई थी। यहाँ तक जो सा एरिया इन्होंने प्लेन कर दिया है, तो ये जो एरिया है इन्होंने ए बी वाला, इसको जो सा है इन्होंने विद इन 6 to 8 मंथ जो सा डिलीवर करना है। मेरे अंदाजे के मुताबिक 1.25 साल लग जाएगा इसको अगर इसी पेस के साथ काम स्टार्ट रहा तो। तो जो टॉप जो सा था जिस पहाड़ी के ऊपर हम खड़े हुए थे, जो मेन बुलेवार्ड रोड से गुजर के गए थे, वो ये वाला एरिया था, बी ब्लॉक वाला एरिया था जहाँ पर ये 10 मरल है, ठीक है, ये वाला एरिया था। और उसके बाद जो सा पीछे जो एरिया है वो सी ब्लॉक का एरिया है, ठीक है, ये भी एरिया इनके पास है। जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में और ई ब्लॉक में आपको काफ़ी सरप्राइज मिलेगा। हमारी फाइंडिंग है जो हमारे अंदाजा है, इधर आपको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज मिलेगा डी और ई में, और इंशाल्लाह इसकी काफ़ी ज़्यादा वर्थ भी होगी इन फ्यूचर, ठीक है, डी और ई की काफ़ी ज़्यादा अच्छी वर्थ भी होगी इन फ्यूचर। ये वाली डील जो सी है अभी इन्होंने देनी है, डांसिंग फाउंटेन वाली, इसको भी जौन सा है ये लोग बहुत जल्द लॉन्च कर देंगे, ठीक है। मे बी जब आखिरी 1-2 इंस्टॉलमेंट रह जाए तो ये वाला डांसिंग फाउंटेन वाला एरिया जो सा है कमर्शल्स उसके उसकी लॉन्चिंग की जाए, तो अभी ताकि ये जो एरिया है इसकी वर्थ बन सके, क्योंकि ये बड़े प्लॉट्स हैं, कनाल 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, तो इनकी वर्थ भी इंशाल्लाह और 4 मरला कमर्शल की भी वर्थ जो सी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर हम स्टैंड कर रहे थे, ये भी एरिया इनके पास है, यहाँ पर आपको सरप्राइज़ मिलेगा। पीछे एरिया बहुत ज़्यादा है इनके पास, ठीक है, हर एरिया में इन्होंने मशीनरी लगाई हुई है, जिस तरह इन्होंने सिटी हाउसिंग जेलम में अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है जहाँ पे पाइप्स वगैरह बनते हैं सीवरेज के, सेम उसी तरह यहाँ पे भी सिटी हाउसिंग खानिया में भी इन्होंने फैक्ट्री लगाई हुई है जहाँ पे सीवरेज के पाइप वगैरह बनते हैं। डेवलपमेंट अभी इस एरिया के अंदर हो रही है, इन फ्यूचर बाकी एरिया के ऊपर भी जो सा है वो डिवेलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी तक अगर आपने अपना प्लॉट नंबर नहीं लगवाया तो अपना प्लॉट नंबर लगवा लें। तो अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आपको तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दी हुई है। आपके लिए मैं इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।